दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसानों के लिए बड़ी खबर है, वर्ष 2022-23 के लिए रबी फसलों के समर्थन मूल्य घोषित हो गए हैं। आप जान लें कि आपकी फसल कितने रुपए में बिकेगी। जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा बताया गया है कि रबी विपणन वर्ष 2022-23 में रबी फसलों का समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिया गया है, जिसमें गेहूं का समर्थन मूल्य 2015 रुपए है, जौ का समर्थन मूल्य 1635 रुपए रखा गया है, चना का समर्थन मूल्य 5230 रुपए रखा गया है, मसूर का समर्थन मूल्य 5500 रुपए रखा गया है, सरसों का समर्थन मूल्य 5050 रुपए रखा गया है। वहीं कुसुम का समर्थन मूल्य 5441 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। वहीं किसानों से अपील की गई है कि वह अपना रजिस्ट्रेशन कन्फर्म कर लें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 5 मार्च 2022 है। जो किसान अपनी उपज को समर्थन मूल्य पर बेचना चाहते हैं, वह किसान अपने निर्धारित पंजीयन केंद्रों पर 5 मार्च तक पंजीयन करा लें, अन्यथा आपकी फसलों को समर्थन मूल्य पर कोई नहीं खरीदेगा। मध्य प्रदेश के सीएम राइज स्कूलों में 1 अप्रैल से शुरू होंगे अब एडमिशन। यदि आप अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं तो अगले सत्र में इन स्कूलों में एडमिशन करा सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित सीएम राइज स्कूलों में जल्दी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने बताया कि सीएम राइज स्कूलों में 1 अप्रैल से एडमिशन शुरू हो जाएंगे। जो छात्र इन स्कूलों में एडमिशन लेना चाहते हैं, वे अगले महीने की 1 तारीख से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। मध्य प्रदेश के सीएम राइज स्कूलों में आवेदन करने के लिए छात्रों को स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाना होगा। जो वेबसाइट है education.mp.gov.in, इस पर जाकर के आप फॉर्म फिल कर दें और 1 अप्रैल से इन स्कूलों में अपना अध्ययन करें। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में 9200 सीएम राइज स्कूल खोलने का फैसला किया है। इन स्कूलों को खोलने का निर्णय सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया था। छात्रों को उच्च क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए सुविधाओं और संसाधनों से भरे सीएम राइज स्कूल की योजना शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के तहत KG1 से लेकर कक्षा 10वीं और 12वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लिया है बड़ा फैसला, अब मनाया जाएगा ग्रामीणों में ग्राम गौरव दिवस। इस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कही है बड़ी बात। मध्य प्रदेश को देश का अग्रणी विकसित राज्य बनाने की कोशिश कर रही है शिवराज सरकार। गांवों को विकसित करने के लिए इससे ग्रामीणों को सीधे जुड़ने की नई योजना बनाई गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि अब मध्य प्रदेश में ग्राम गौरव दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने अप्रैल महीने तक ग्राम गौरव दिवस की तिथियां तय करने के निर्देश दिए हैं अधिकारियों को। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मध्य प्रदेश अगर एक शरीर है तो इसके 53,000 गांव इस शरीर की धड़कन है। इन गांवों को विकसित करना है और आगे ले जाना है। अक्सर बात होती है कि सरकार यह सब कर लेगी, केवल सरकार के करने से गाँव का विकास नहीं होगा, उसमें जनता की भागीदारी भी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि जिस गांव में हम पैदा हुए हैं उस गांव के प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य है। जिस माटी में हमने जन्म लिया है उसका भी हम पर कर्ज है। हम उस कर्ज को कैसे उतारेंगे इसके लिए सोचना होगा। अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपने लिए जिए तो क्या जिए। जीता वास्तव में वही है जो गांव के लिए भी जीता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गाँव का गौरव दिवस किसी विशेष तिथि, पर्व, विशिष्ट व्यक्ति से जुड़ी तिथि, मेला इत्यादि से हो सकता है। अप्रैल माह तक गांव के गौरव दिवस की तिथि सब मिलजुल कर तय कर लें। अपने गांव का मास्टर प्लान भी बना लें। गांव के गौरव दिवस को आनंद का माध्यम बनाएं। खेलकूद के साथ गीत संगीत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखें। बच्चों, युवाओं, महिलाओं के साथ बुजुर्ग जनों के लिए भी प्रतियोगिताएँ रखें। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में गोवंश को सुरक्षा देने में असफल है भाजपा सरकार। इंदौर जिले के पेडमी में संचालित गौशालाओं में 150 गायों के कंकाल मिलने पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि भाजपा सरकार गोवंश की सुरक्षा करने में असफल साबित हुई है। भोपाल के बैरासिया में सैकड़ों गायों के कंकाल मिले थे। इसके पहले अन्य स्थानों पर भी ऐसी घटनाएँ सामने आ चुकी है।
इसके बावजूद मौजूदा सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि बैरासिया में सैकड़ों गायों की मौत के बाद सरकार ने समीक्षा करके गोवंश की सुरक्षा के दावे किए थे, लेकिन प्रदेश में गायों की मौत का सिलसिला अभी भी जारी है। इंदौर जिले के पेडमी में सैकड़ों गायों के शव पड़े हुए हैं। सरकार गाय के नाम पर सिर्फ राजनीति करती है, जबकि अपने प्रदेश में गौवंश के संरक्षण व संवर्धन के लिए 1000 गौशालाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया था। गायों के चारे के लिए भी राशि 20 रुपये प्रतिदिन कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि जब से मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार आई है, तब से भूख प्यास से गायों के दम तोड़ने की घटनाएं सामने आ रही है। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि गोवंश के संरक्षण व संवर्धन के लिए तत्काल कदम उठाया जाए, साथ ही बैरसिया और पेडमी की घटनाओं के दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण गौरव दिवस पर कही है बड़ी बात, तो चलिए सुनते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान को लाइव। आज वर्चुअली मुझसे जुड़े हुए सभी जिलों के जिला पंचायत अध्यक्षगण, जनपद अध्यक्षगण, सदस्यगण, ग्राम पंचायतों के सरपंच, उनकी पूरी टीम, पंच सहित ग्राम सभा में उपस्थित, एक राउंड लगाने के बाद ग्राम सभा हुई और फिर ग्राम सभा में अपन क्या करेंगे मिलकर गांव के लिए वो तय हुआ। वो मैं आगे बताऊंगा कि हमको क्या क्या करना चाहिए, उस कहानी में मैं नहीं जा रहा, लेकिन गांव का वातावरण बदल गया, एक नया उत्साह पैदा। उसके पहले तक लगता था मुख्यमंत्री जी कर देंगे, सबको लगा कि हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। उज्जैन का उदाहरण आपको दे रहा हूं, तय किया पिछले दिनों कि महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनेगा और प्रत्येक उज्जैनवासी अपने घर में 5 दीपक जलाएगा और घाटों पे हम 13 लाख दीपक जलाएंगे। वातावरण ऐसा बना कि संस्थाएं, व्यक्ति, हमें कहां लगाना, हमारे दीपक, हमें स्थान दे दो। उज्जैन पूरा सड़कों पे था, अद्भुत छटा थी उज्जैन की और उज्जैन ने विश्व रिकॉर्ड बना दिया। महाशिवरात्रि मनी दीपक जलाने में विश्व रिकॉर्ड बना दिया। गांव अगर ठान ले सरकार के साथ मिलके अद्भुत विकास के काम और अलग अलग तरह की कई चीजें गांव कर सकता है। मेरे प्रिय बहन और भाइयों, हम गांव की उसी ताकत को जगाना चाहते हैं। हम सब मिलके करें, इसके भाव को पैदा करने के लिए ग्राम गौरव दिवस। और उस दिन हम क्या करें, एक तो जितने भी लोग उस गांव के बाहर हैं, सबसे पहले तो तय करें ग्राम सभा बैठे और बैठ के तय करें कि गांव का गौरव दिवस हम किस दिन को मनाएं। अलग अलग कोई भी दिन हो सकता है, याद होती थी पता हो कि गांव की स्थापना कब हुई थी, उस दिन हो सकता है, किसी महापुरुष के जन्मदिन पर हो सकता है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जन्मदिन पर हो सकता है, गांव से निकले किसी अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति के जन्मदिन पर हो सकता है, गांव की आस्थाओं जैसे धार्मिक आयोजन, जैसे जैत में नर्मदा जयंती पर शुरू किया, नर्मदा जी के तट पर गांव बसा था, कोई मेले का दिन हो सकता है, गांव में अगर कोई जवान हो, भगवान ना करे कभी बड़ा काम किया हो, शहादत दी हो, तो उनके जन्मदिन पर हो सकता है, किसी घटना विशेष जो गांव के लिए बहुत महत्व रखती हो उस दिन हो सकता है, परंपरा में गांव की कोई विशेष दिन आता हो उस दिन हो सकता है, या फिर गांव सर्वसम्मति से तय करे कि मेरे गांव का गौरव दिवस साल भर में इस दिन मनाएंगे। और मेरा आग्रह कि ये आप यथासंभव अप्रैल के महीने तक तय कर ले, अभी मार्च चल रहा है, 1 महीने में कभी भी ग्राम सभा बैठ के तय कर ले,
मुझे बताया कुछ जगह तो ग्राम सभा हो भी गई, नहीं हुई करके गांव का एक दिन गौरव दिवस, तो गौरव दिवस का निर्धारण। दूसरे गौरव दिवस मनाना है जिस दिन, तो हम एक से लेकर 3 दिन तक के कार्यक्रम रख सकते हैं। जिस दिन गौरव दिवस है, गांव में जितने भी बाहर रहने वाले हमारे साथ, ये कोई अफसर होगा, कोई राजनीति में होगा, कोई समाज सेवी होगा, कोई और बाहर काम करता होगा, उनको सबको आमंत्रित करें। हो सकता सब ना आ पाए, कुछ आए, लेकिन हमारी आग्रह है कि जिस गांव में पैदा हुआ उसे एक दिन आना है भाई, बस साल गांव का सामूहिक भ्रमण हो और घूम के फिर आप प्लान बनाए गांव का, फिर ग्राम सभा का आयोजन करें और जो विकास होना है गांव का, तो आप गांव का एक मास्टर प्लान बना लें, गांव के विकास की रूपरेखा। टुकड़ों टुकड़ों में हम नहीं सोचेंगे कि गांव में क्या करेंगे, 2 लाख रुपए आ गए तो यहां लगा दो, 1 लाख आ गए तो यहां लगा दो। एक साथ विचार करेंगे कि हमें गांव का मास्टर प्लान ये हमको गांव में करना है। फिर जो निधियां आएंगी उसके हिसाब से हम लोग तय करते जाएंगे कि ये आए इतना पैसा आए तो ये करेंगे, ये आए तो उसके बाद ये करेंगे। तो गांव का मास्टर प्लान बन जाए, गांव की सड़क, गांव की नालियां, गांव के पहुंच मार्ग, गांव में पीने का पानी, गांव का स्कूल, आंगनबाड़ी, सामुदायिक भवन, अलग अलग जो भी आ, एक साथ बैठे और तय करें। लेकिन ये एक तो होगा कि शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन, लेकिन दूसरे हम क्या करेंगे गांव में, तो कुछ चीजें तय करें। नंबर एक, हमारा गांव स्वच्छ गांव रहेगा, गांव की सफाई का अभियान हमारा अभियान है और स्वच्छता का सर्वेक्षण चल रहा है। हमारा गांव स्वच्छता में पहले नंबर पे आएगा, इसकी रणनीति तैयार करें। गांव में कचरा कैसे कहां डलेगा, कचरे के लिए डस्टबिन गांव वाले भी भेंट कर सकते हैं कि एक मेरे यहां से ले लो, एक मेरी तरफ से ले लो, एक मेरी तरफ से ले लो। कचरा कहां डंप करेंगे, इस बीच गाड़ी की व्यवस्था हो जाए तो कचरे को ले जाने की व्यवस्था, उस पर भी विचार करें। फिर एक चीज तय करेंगे, मैंने तय किया अपने जीवन में, मैं रोज एक पेड़ लगाऊंगा और रोज एक पेड़ लगा रहा हूं। मैंने ये भी कहा कि जन्मदिन जैसे आयोजन हो तो आप भी एक पेड़ लगाएं, और किसी का जन्मदिन मनाना भी हो तो उस दिन भी एक पेड़ लगा दें। मैंने कहा कि मेरा जन्मदिन 5 को है, मार्च को, तो बाकी कुछ नहीं करना, अगर स्नेह करते हो तो एक पेड़ लगा दो, जन्मदिन सार्थक हो जाए अपना। होल्डिंग बैनर से सार्थक थोड़ी होता है, लेकिन अपन परमानेंट के एक स्थान तय करके कोई विशेष दिन वो पेड़ लगा दो। गांव में किसी का जन्मदिन है वो उस दिन एक पेड़ लगा दे गांव में, शादी की वर्षगांठ है एक पेड़ लगा दे, बच्चों का जन्मदिन है एक पेड़ लगा दे। ये पेड़ लगाना धरती माता का कर्जा उतारना है, ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं, जिंदगी लगा रहे हैं पेड़ ने। फिर हम अपने गाँव की आंगनबाड़ी कैसे ठीक चले। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी, यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।